हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एवन स्टडी एरिया। माई सेल्फ आफ्ताब राणा। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे, जो यह प्रश्न पाषाण काल एवं सैंधव सभ्यता से संबंधित होगा। पहला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था? तो इसका आंसर है, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। और पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था? तो नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु भेड़ था, जबकि मनुष्य द्वारा पाला गया सर्वप्रथम पशु कुत्ता था। और इसका पालन लगभग 15,000 ईसा पूर्व से ही हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? तो इसका आंसर है, हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था, जिसकी खुदाई 1921 में दयाराम सहनी द्वारा किया गया था। 1921 में दयाराम सहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, जो यह वर्तमान में पाकिस्तान के मॉन्टेग्री जिला में पड़ता है और यह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता इसको भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। और कांसा यानी ब्रॉन्ज यह तांबा तथा टीन से मिलकर बना होता है, यानी कॉपर प्लस SN। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो इसका आंसर है, हाथी का चित्रण किया गया है, बाघ का भी चित्रण किया गया है, गैंडे का भी चित्रण किया गया है, लेकिन गाय का चित्रण नहीं किया गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो इसका आंसर है गाय, यानी गाय का चित्रण नहीं किया गया है। अब इसी में प्रश्न बनता है कि गैंडा यानी एक सिंह वाले गैंडा काजीरंगा वन अभ्यारण्य, जो यह असम में पड़ता है, यह उसी के लिए प्रसिद्ध है। और असम में कामाख्या की मंदिर है, माता कामाख्या की मंदिर है। और अंबुबाची का मेला असम में ही लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो इसका आंसर है, पशुपति शिव देवता की आकृति मुद्रा में चित्रित थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे और पशुपति शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर D यानी दयाराम सहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। फिर इसका नेक्स्ट ऑप्शन है, राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहन जोद्रो की खोज की, सिंधु घाटी सभ्यता मोहन जोद्रो की खोज की। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? तो इसका आंसर है, सर एलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट प्रश्न है,
सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर यही था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, इसका आंसर है अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन इसकी लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है और इसकी खुदाई 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा किया गया था। यह पाकिस्तान के लड़काना जिला में पड़ता है और यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है और यह वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी जिसको हम लोग अभी गोदाम कहते हैं, कोठार यानी गोदाम, तो अनाज संग्रह करने का स्थान को कोठार कहते हैं या गोदाम, कहाँ मिला है? तो इसका आंसर है मोहनजोदड़ो में सबसे वृहत अन्नागार एवं स्नानागार, जिसको हम लोग अभी वर्तमान में स्विमिंग पूल भी कहते हैं, तो स्नानागार एवं अन्नागार जिसको गोदाम कहते हैं, यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी का नेक्स्ट ऑप्शन है कालीबंगन, यानी कालीबंगा जो यह वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है और यह घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है, घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ और राजस्थान में पड़ता है। यहीं से जूता हुआ खेत यानी जूते हुए खेत एवं नक्काशीदार ईंटा का प्रमाण कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो यह अमरी जो है हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था जो यह सिंध प्रांत में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा यानी मुख्य व्यापार क्या था? तो इसका आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य धंधा या मुख्य व्यापार कृषि था। मुख्य धंधा क्या था? कृषि था। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है? तो इसका आंसर है लोथल, और सर्वप्रथम चावल का साक्ष्य जो है यह लोथल से ही मिला है और यह चावल का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कोलडिहवा से भी मिला है। चावल का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कोलडिहवा से भी चावल का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो निम्नलिखित में से कालीबंगा स्थल राजस्थान में है, यह भारत में ही पड़ता है। रोपर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है जो है यह पंजाब में ही है। रंगपुर माधर नदी के किनारे है जो यह भी भारत में ही है, जबकि हड़प्पा जो है यह भारत में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो इसका आंसर है आलमगीरपुर
और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता का बालाकोट स्थल जो यह भारत में नहीं है, बाकी मांडा, हुलास और सुरकोटदा या इसको सुतकोटदा भी कहते हैं, यह भारत में ही है, जबकि बालाकोट भारत में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों को लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी, बाकी आग के बारे में भी, गेहूं के बारे में भी, कुम्हार के चाक के बारे में भी जानकारी थी। और यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि किसकी जानकारी नहीं थी, तो लोहा की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बर्तन के प्रमाण मिलने के कारण ही कहा जाता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितने भी वीडियोस डाले जाएं वह सभी आप तक पहुंच जाए, और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो इसका आंसर है, पहले तो इसको देखेंगे, उनके घर ईंट के बने थे, यह भी सही है कि उनका घर ईंट का बना था, वहाँ नगरीय सभ्यता थी, वहाँ की जो रास्ते थी वह 90 डिग्री के एंगल पे कटती थी। नेक्स्ट है कि संभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में भी हुई, यह भी सही है। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, यह भी सही है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त, यानी ऊपर दिए हुए सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से शहर योजना प्रणाली से है। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो इसका आंसर है, मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया, जिसे श्याम अयश भी कहते हैं, जिसे श्याम अयश भी कहते हैं। थैंक यू।